दोबारा बत्ती जलने वाली है, शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में, I mean, दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तुम ग्रेट इंसान हो। ऐसा नहीं है, इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। तुमने किन दो चीजों को, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए। नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद? हैं शूटिंग के दौरान नहीं, बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज़। मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था, जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था और हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई। इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे, विच इज़ स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती। स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे? वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें? हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास। तो वी हैव ऑब्वियसली बीन टोल्ड अबाउट दिस बाय सिद्धार्थ गरिमा श्री सर, दे हैव गॉन एंड रिसर्च दिस एंड दैट इज़ वाई वी थॉट कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा। शाहिद अच्छा, बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना। अरे ऑन कर दो यार, 5-10 मिनट ऑन कर दो। इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। शी वॉज वेरी अनवेल इज वॉट वी वर टोल्ड। वी वर टोल्ड दैट यामी जस्ट केम, इनफैक्ट शी हैड फ्लोन बैक फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेलर लॉन्च, बट शी इज बीन वेरी अनवेल. And as you can see, she plays a very, very important, pivotal role in this film. And I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film. And in the last half an hour of the film, you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer. And we sorely miss her presence here today. Shraddha, my question. बात कर लें पैडमैन की, बात कर लें, एक नया बदलाव आया है, सैनिटरी पैड्स पे टैक्सेस खत्म हो गए, आप एक नया सोशल मुद्दा उठा रहे हैं। इस तरह की फिल्मों के साथ एज एन एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर, और मैं पूरी कास्ट की बात करूंगा, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्यंदु के लिए। दिव्यंदु, आपको नहीं लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और किरदार मुझे नहीं लगता। अच्छा शाहिद, दिव्यंदु, शाहिद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो। मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ ये रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ। और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइया कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी काइया कमीना, इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म की ये नहीं। और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं, आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं। शायद बताना चाहेंगे आप, इट्स अ रिस्क और इट्स अ चैलेंज, इट्स अ रिस्क और चुप है, इट्स अ रिस्क और वो चैलेंज, और जुबान भी, लैंग्वेज भी बहुत ही कमांड रही है। हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उस गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म के, तो उस पे कितना काम किया? क्या आपको लगता है जी? पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्येंदु काफ़ी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले 2 दिन तो उनकी हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की, मैंने और श्रद्धा ने काफ़ी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है। मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ की जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा, द होल वे इट इज एक्सप्रेस इज वेरी डिफरेंट, एंड देन देर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर, अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रास रूट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है, पाजी को छोड़ के, जिनको लगता है पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी उत्तराखंड सब सेम है। तुम लोगों को जाना, चले जाओ, तुम्हारी फोटो के चले जाओ यार, जिनको सवाल पूछना उनको सवाल पूछना दो, जिनको फोटो खींचना उनको फोटो खींचना दो। भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए बट व्हाई यू डिडंट चूज वाराणसी? लाइक आपने आरती का सीधा, बिकॉज आई बिलोंग्स टू वाराणसी, सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज़ किया? बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो, सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी। आई थिंक ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज़ किया, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ के लोगों को मैसेज देना ज़्यादा आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है। उससे रिलेट किया एक्चुअली कि अगर आपने आरती का सीन डाला है तो आरती खाली बनारस में नहीं होता ना, बट सीक्वल बन सकता है सर वाराणसी में फिल्म का। I would say is the flavor of the season. I think there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये स्पेस जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत अपील कर रही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और स्टुपिडिटी और नॉनसेंसिकल चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, एक कहानी भी है एंड यू कैन वॉक अवे विद समथिंग दैट मे बी विल स्टे विथ यू एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट सिनेमा, that they can tell you something about life or they can touch you emotionally. I think that's the biggest quality of cinema. So it's a good combination. Shahid, it's the last question, please. Shahid. Ask him a question, yaar. Bhushan ji. कौन सी फिल्म है ये सर? उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है सर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आजू बाजू में हैं बट अलग हैं सर। आपको लगा यूपी है बट ये राइटर्स तो आपको ढूंढेंगे ना। मे बी हो सकता है इंसान जिसने बोला ये यूपी है, ये उत्तराखंड है,